सो दोस्तों, ये है सामने दो पिरामिड्स, शायद मक्कारा करके ये जगह है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। सुबह के 6:30 के आसपास का टाइम हुआ और देखिए गीजा का बाहर का दृश्य। सुबह सुबह तो भी ठंड लग रही है, काफ़ी कोहरा भी है। और यह है टेरिस जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ। यह पूरी प्रॉपर्टी, यह है हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। सो ये होटल का लॉबी और इज माय फ्रेंड सईद, इज ओनर ऑफ दिस होटल एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू पिरामिड्स विद सईद। She is coming. She is coming now. Okay. And the driver. She is coming. हमारा ड्राइवर और गाइड आने वाला है शायद। ये है हमारे साथ मिस्टर यमन, हैंडसम गाय। हमारी हेलीकॉप्टर ड्राइवर, हम लोग वेट कर रहे हैं अपने लिफ्ट का। सो अभी हम जाने लग रहे हैं पिरामिड्स। आज का जो टूर मीरा ने बताया है वो इस प्रकार है कि हम लोग आज गौर करेंगे सकारा जहाँ पिरामिड्स हैं, और भी दो तीन चीज़ें जो मैं भूल गया। इतिहास मेरा वैसे भी कमज़ोर है, बाकी जैसा आएगा मैं बताता रहूँगा। धूप बहुत तेज, सुबह ठंडी लग रही थी तब ये डालना पड़ा, लेकिन अब गर्मी लग रही है तो निकालना भी पड़ेगा शायद। इजिप्ट काफ़ी कुछ दिखने में इंडिया जैसा ही है, वैसे ही लोग, वैसा ही ट्रैफिक और सब कुछ वैसा ही है, बस खाना वैसा नहीं मिला मेरे को। टाइम तकरीबन हुए हैं 9:15 और ये टूर हमने स्टार्ट किया। सो अभी मैं पहुंचा हूं मीरा के साथ मेंसिस। पूरा कॉम्प्लेक्स है 80 इजिप्शियन पौंड इसकी एंट्री फी ली है इन्होंने। कुछ वैसे ज़्यादा देखने को नहीं है, लेकिन ठीक है, अब आप आए हो तो ये तो देखना बनता ही है। इन्होंने All of this that I give you, that reference, you can take a video for the whole area. Still all of this place under excavation. Okay. यह है किसी पिलर का बेस। Yeah, this is a base of a pillar. Yeah. की And
What about Nusupiti Datati? ये है बाथटब है या कॉफिन, कुछ पता नहीं, बाकी जो भी है सॉलिड बनाया है। ये ऊपर क्राउन, ये नीचे बियर्ड, ये विंग्स, तो ये है पहचान किसी के राजा होने की। ये बता रही थी कि यहाँ हर राजा के दो नाम होते थे, एक जो जन्म के साथ उसको नाम मिलता था और दूसरा जो राजा बनने के बाद नाम मिलता है। तो ये रामसेस राजा को बोलते हैं और यहाँ टोटल 11 रामसेस हुए हैं। ये है रामसेस फर्स्ट और इन्हीं का सबसे बड़ा जो मूर्ति बना हुआ है अपू सिम्बियन में। ये हमारा मेनेसिस पूरा, और चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर। छोड़ रखा है जैसे टैक्सी हमारे यहाँ है, यहाँ बहुत टैक्सीज मिल जाएंगी। यहाँ पे उसको बोलते हैं टुक टुक। पूरा लाइमस्टोन का बना हुआ है और उससे ज़माने का है। मेरा बता रही कि देखिए बिना किसी टूल्स, सिर्फ चाकू या कुछ नॉर्मल हथौड़ी से बनाया गया, शानदार। यहाँ शायद मम्मीज़ वगैरह को सोशल रेवोल्यूशन के टाइम पे प्रिजर्व किया गया होगा, बाकी इसके बारे में कोई सा अभी पुख्ता कुछ नहीं पता है। वैसे इजिप्ट में सिवाय खंडरों और मम्मीज़ के अलावा देखने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, बचपन से एक शौक था तो आ गए हैं। स्कूल से पढ़ते आए थे मम्मी मम्मी मम्मी, तो फाइनली मम्मी को देखने पहुंच गए। सो हमारा ये
फर्स्ट जोसर पूरा हो गया। अब हम जा रहे हैं हाई ऑफिशियल टूम्स द सेम वे। अगर आप यहाँ आते हैं और कोई आपको बोले कि मेरी फ़ोटो ले लो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री है, आपको उसकी ट्रिप देनी ही है। ये जो भी बीच में स्पेस है ना, यहाँ पे राजा वगैरह कुछ अपने जिनको भी लोग मानते होंगे उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हुआ करती थी। और शायद ऐसा मानना है इन लोगों का कि राजा सुबह इन सभी मूर्तियों की पूजा या इनका जो भी रिचुअल हुआ करता होगा वो क्या करते थे। ये 12 कॉलम्स इस साइड में है, 12 कॉलम्स इस साइड में है। तो और देखिए ये बेस है, अब कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हुआ करती होंगी यहाँ पे। मम्मी कैसे बनती है, तो मम्मी के लिए के राजा की या जिसकी मम्मी बनानी है उसकी बॉडी को डालते थे सॉल्टी वाटर में और उसको छोड़ देते थे 10 दिनों तक, जिससे उसका सारा पानी वानी निकल जाता था। उसके बाद ये बॉडी में कट लगाते और अपडोमन वगैरह में और उसके लीवर किडनी गुर्दे निकाल लेते। फिर यह है कि उसको किसी जार में डाल देते और वहाँ से फिर ये कुछ दिनों बाद उन सारे ऑर्गन्स को अपन उस बॉडी में डाल देते और उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स, कई डेट्स और काफ़ी कुछ अरबिक मसाला डाल के उसको लेने के कपड़े से रैप कर देते और फिर उसको ताबूत में ला देते। तो ये एक शॉर्ट था तरीका मम्मीफिकेशन का। इस कैंपस में करीब 9 पिरामिड्स हैं। ये फर्स्ट स्टोन पिरामिड हमने देख लिया, अब हम जाएंगे किसी बड़े पिरामिड में। यहाँ शायद हम लोग पिरामिड के अंदर भी जाने वाले हैं। हम लोग जा रहे हैं इस पिरामिड के अंदर। For him, the fifth pyramid, fifth dynasty, pyramid Tekest. The horizon, Nut, the gods of the sky. All of this, the pyramid Tekest, as you see, which looks like a spell, looks like a sense. Nut, the gods of the sky. Yes. We will go to show you something here amazing. Yeah. This is a sarcophagus. My friend, he will show you something unbelievable. Looks like magic. He now he take the role from the king to make the rituals in front of us. It's alabaster. Alabaster stone. Which looks like the waterways of the river Nile. And now you will see something will be so strange. What? Okay, the king appears now. He do rituals. He
in front of the goddess and in front of the gods. This is the first time that the king appeared in his burial chamber in alabaster. Yeah. Especially in this site, when he met out of the light, see, by the way, Chirgachos, it's not appear, but when he do it in this point exactly, the king will appear here to show you how he do the rituals in front of the goddess, in front of the gods, from alabaster. Amazing. And the sarcophagus from basalt stone for sure. Same idea here. One appear with the white crown, one appear with a red crown, which symbol of Upper and Lower Egypt. The red crown for sure, this represents Lower Egypt, and the white crown for sure, this represents Upper Egypt. And the first appear also of the colors, it means painted alabaster stone. On the ceiling, you can see also the remains of the color, of the blue color, which represent the stars. It means one of the high official which related to the 6th dynasty of the King Tete, and for sure that the date in front of you. From the cartouche, here is letter T, letter T, letter E or I, Teti, and the other cartouche that we see, Wanis, so 5th dynasty, now 6th dynasty, from just the name. See, how they do also the head. Thank you. Same way somebody record, eh? All is the block, limestone, one block with the wall.
style الثقافة. Looking up to the stars. I'm looking for the stars below. The name is still the star, star, small fish. Starfish. Starfish, yeah. Sign is up top. Sack up, okay. Looking for some of the bazaar. Nothing is there? Bazaar. After the sign is the mumia, the king, Titi. Look at the mumia. The statue, museum, living guy. Look. Oh, yeah. It's all the relief from down here. Basal, basal from Sudan. Sudan? Sudan, 16 ton. 16 ton. The hard relief down because you lose power. Yeah. Alter it down. Can you sell this? Look it up. Look it up for lose power. Sudan ka hai pathar ye. 66 टन का ये इसका वजन है और इसमें जो मम्मी थी वो इजिप्शियन म्यूजियम में हमें देखने को मिलेगी. ये बताया हमारे जनाब ने. आपका योर नेम? मोहम्मद. मोहम्मद भाई. मोहम्मद. श्योर श्योर श्योर. सिकार दयान फॉर सपोर्ट फॉर सक्कार. सक्कारा मोहम्मद. Sorry? Is it photography? Yeah.